नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी गांधी संग्रहालय स्थित अतिथि सभागार में युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बर्निंग ट्रेन बनते बनते बची अमरनाथ एक्सप्रेस, बोगी के नीचे से धुआं और चिंगारी निकलने से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने बाइक चोरी मामले का किया उद्भेदन, चोरी के बाइक के साथ दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भेजा जेल। बिहार पुलिस दिवस को लेकर ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने लोगों के साथ किया जनसंवाद, आम लोगों ने अपनी समस्याओं से थाना अध्यक्ष को कराया अवगत। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के केसरिया प्रखंड अध्यक्ष बने मनोज यादव, 40 सदस्यीय प्रखंड कार्यकारिणी की भी की गई घोषणा। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर पुलिस ने शराब मामले में दो फरार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, बड़ी कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। नरकटिया गज बेतिया मुख्य मार्ग पर ओवरटेक के चक्कर में आपस में टकराई दो कार, घायलों का इलाज जारी। दिल्ली से घर आ रहे एक युवक से उचक्कों ने उड़ाए रुपए और मोबाइल फोन, शिकारपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। लोजपा के द्वारा शिवर समाहरणालय परिसर में दिया गया धरना, लगाए गए सरकार के खिलाफ नारे। और पुलिस सप्ताह के अवसर पर जनता के बीच पहुंची पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस, लोगों से पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में लिया गया फीडबैक। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। आज नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहर के ऐतिहासिक गांधी संग्रहालय स्थित अतिथि सभागार में युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। चंपारण जिला युवा अधिकारी स्वरूप देशभ्रंतरार द्वारा अतिथियों का स्वागत शॉल एवं पौधा देकर किया गया। विशिष्ट अतिथि सचिव गांधी संग्रहालय सह पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर सिंह का स्वागत, लेखापाल सह कार्यक्रम सहायक नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण रानू कुमारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने युवाओं का मार्गदर्शन किया, उनके द्वारा युवाओं को सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही नेहरू युवा केंद्र द्वारा किए गए कार्यों को जिलाधिकारी ने सराहा और उन्हें संगठन से जुड़कर बेहतर कार्य करने के लिए कहा। वहीं विशिष्ट अतिथि ब्रजकिशोर सिंह द्वारा युवाओं को देश हित में काम करने को कहा गया। नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी श्री स्वरूप एवं खेल लेखापाल सह कार्यक्रम सहायक रानू कुमारी द्वारा युवाओं को नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं युवा समिति विकास के माध्यम से नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए 40 युवक युवतियों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं को योग, स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं स्वयं सेवक भाव सिखाया जाएगा। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही 15653 अप अमरनाथ एक्सप्रेस कोहड़ा नदी पुल संख्या 248 के पास गुरुवार को ब्रेक जाम होने के कारण जनरल बोगी के नीचे से धुआं व आग की लपटें निकलने लगी। आग से उठ रहा तेज धुआं बोगियों के अंदर पहुंचा तो यात्री घबराकर चिल्लाने लगे, अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। धुआं स्लीपर बोगी से सटे 4 नंबर सामान्य बोगी से उठती हुई प्रतीत हो रही थी। यात्रियों का शोरगुल सुनकर ट्रेन रोकी गई। गार्ड व चालक द्वारा बोगियों का अवलोकन कर अग्निशमन यंत्र से ब्रेक शू में लगी आग पर नियंत्रण पाया गया। करीब आधे घंटे बाद जब आग से गर्म हुए पहिए ठंडे हुए तो ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर लगभग 20 दिन पहले भी मोहदीपुर रेलवे गुमटी के समीप सत्याग्रह एक्सप्रेस 2 भागों में बट गई थी। हालांकि रेलवे अधिकारी इस घटना को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आग की लपटें दिखी और धुआं उठा उससे ट्रेन में सवार यात्री किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से कुछ देर के लिए विचलित हो गए थे। ट्रेन अधीक्षक मुद्रिका सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ से थ्रू ऑन अमरनाथ एक्सप्रेस पास की है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ढाका पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए रंगे हाथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाइक चोरी को लेकर ढाका थाना क्षेत्र के कुशमहवा गांव निवासी मोहम्मद परवेज आलम ने
ढाका थाने में एक लिखित आवेदन देकर बताया था कि कुशवाहा चौक पर अपनी बाइक को खड़ा कर चाय दुकान पर चाय पीने गए थे। इसी क्रम में दो व्यक्ति आकर उनकी बाइक को चालू करके भागने लगे। भागने के क्रम में दोनों व्यक्तियों की पहचान कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर लिखित आवेदन के आधार पर ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाल बिछाकर थाना क्षेत्र के बैगनिया मोड़ के नजदीक से चोरी की बाइक के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी स्वर्गीय कमल अंसारी के पुत्र मिनहाज और दूसरे व्यक्ति की पहचान सीतामढ़ी के बैगनिया थाना अंतर्गत पकड़िया गांव निवासी मोहम्मद सलीम के पुत्र मोहम्मद साकिब के रूप में की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश के आलोक में 20 से 27 फरवरी तक बिहार पुलिस दिवस मनाने को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने थाना क्षेत्र के ढाका रामचंद्र और चैनपुर ढाका मोहल्ला के लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच मुकेश चंद्र कुंवर ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच अच्छे व्यवहार से आपसी सामंजस्य बरकरार रहे। उन्होंने समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं करने और लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो स्वयं थाना पहुंचकर समस्या से अवगत कराए, किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या बिचौलियों के प्रभाव में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या से निजात दिलाना पुलिस की प्रथम कर्तव्य है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने अपने पक्ष की समस्याएं भी थाना अध्यक्ष के सामने रखी। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को सराहनीय कार्य बताया और थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर को धन्यवाद दिया। पुलिस सेवा पर विश्वास और बढ़ेगी क्योंकि इनका जब देख रहे हैं कि कोई भी कंप्लेन आ रहा त्वरित कार्रवाई हो रहा है, और उसके बाद इन्होंने जैसे कल संवाद किया उस संवाद में इन्होंने बताया कि पुलिस और जनता के बीच में डायरेक्ट संबंध बनाना है और इस संबंध में कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं आएगा। इन्होंने थाना से बिचौलिया का दूर किया है, मैंने जो समस्या लेकर आए मुदई मुदालय सामने आए और इसमें आज ही का बात है, करेंटली सुबह सुबह जैसे थाना प्रभारी साहब एक चैनपुर ढाका के मसला को पति पत्नी के मसला को उन्होंने बुलाया, बुला के समझाया, दोनों को एक किया, फिर प्रेम से उन दोनों के हाथ को एक में दे करके और उनके घर को बसाने का उन्होंने काम। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की एक बैठक शुक्रवार को बौद्ध स्तूप के निकट एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। सर्वसम्मति से मुखिया मनोज कुमार यादव को अध्यक्ष, अफरोज आलम को कोषाध्यक्ष एवं मुकेश कुमार यादव को सचिव बनाया गया। वहीं 40 सदस्यीय प्रखंड कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई जिसमें मुख्य रूप से लाल पाठक, उपेंद्र कुमार, संदीप कुमार, मिंटू कुमार को शामिल किया गया है। पूरे बिहार में ट्रक एसोसिएशन का चुनाव हो गया था, हमारे केसरिया कल्याणपुर में ट्रक एसोसिएशन का चुनाव नहीं था। कई दिनों से जितने भी ट्रक मालिक है हम सब लोग राय विचार कर रहे थे कि एक मेरे केसरिया में भी ट्रक एसोसिएशन का चुनाव हो जाए, चूँकि इसमें बहुत विविधा उत्पन्न होती है। मान लीजिए हम लोग लोकल लोग हैं, पुल पर से गाड़ी पकड़ा जाए, पंप पर से गाड़ी पकड़ा जाए, और मैं कतई इसका विरोध नहीं करता हूँ कि ओवरलोड गाड़ी नहीं पकड़ाए, ओवरलोड जो सरकार का नियम है उसके अंदर हम लोग चले गए, लेकिन प्रशासन और पदाधिकारी से अनुरोध है कि लोकल लोगों का थोड़ा ख्याल रखा जाए और उस प्रशासन और प्रशासन के साथ हम लोग हैं, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि लोकल और बाहरी कोई भी ओवरलोड गाड़ी लेके नहीं आए। इसके बाद हम लोग सारे लोग मिलकर कल से हिदायत करेंगे जितने भी ट्रक वाले लोग हैं कि ओवरलोड लेके नहीं आए, अगर ओवरलोड लेके आते हैं तो उसका भुगतना भोगेंगे, लेकिन जो सही लोग हैं जो ओवरलोड लेके नहीं आते हैं उनके साथ प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। केसरिया प्रखंड इकाई मोटर संघ अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें अजय यादव, मनोज यादव को अध्यक्ष चुना गया, कोषाध्यक्ष अफरोज आलम को और मुकेश राय को सेक्रेटरी मनोनीत किया गया। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग परिवहन विभाग के नियम का पालन करें और संगठन को मजबूत करें। बैठक में चुनाव हुआ है ट्रक एसोसिएशन का जिसमें हमको यदि कोषाध्यक्ष बनाया गया है, सब लोग के सहमति से मतलब बनाया गया है। हम चाहेंगे कि ये प्रश यदि मतलब मजबूती से चले। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर पुलिस ने शराब मामले में दो फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान पुरानी बाजार वार्ड 1 निवासी नीरज शाह व वार्ड 10 निवासी अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि बीते 11 जनवरी को एक ट्रैक्टर ट्रेलर पर लदे भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई थी। मामले में नीरज समेत अन्य के विरुद्ध शिकारपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। बुधवार की रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बेतिया मुख मार्ग पर गुरुवार को कोइरगावा चौक एवं सोफवा के बीच ओवरटेक के चक्कर में दो कार आपस में टकराकर पलट गई। हादसे के बाद एक कार चालक कार लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरे कार में सवार हिंगलहर गांव निवासी कन्हैया शाह कुंदन चौबे समेत उनकी पत्नी व बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज की जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हिंगलहर गांव से कुंदन चौबे अपने परिवार के साथ कार से नरकटियागंज आ रहे थे, तभी पीछे से आ रही UP1T5978 नंबर की कार के चालक ने ओवरटेक के चक्कर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुंदन चौबे का चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। हादसे में कुंदन चौबे समेत अन्य घायल हुए हैं। उधर टक्कर मारने के बाद कार चालक अपनी ऑल्टो कार लेकर फरार हो गया। अच्छा से अपन गाड़ी 20 के स्पीड में लेके आ रहा हूँ, गाड़ी ओवरटेक कोयला अनुकर बाद मोटरसाइकिल वाला या कोनो सवारी वाला गाड़ी पाछे से लेकर हमारा गाड़ी में ठोक दिला, उसके बाद गाड़ी हमारा पलट गई। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली से कमाकर घर लौट रहे एक युवक से उचक्कों ने 12,000 रुपये व मोबाइल छीन लिए हैं। मामले को लेकर हसनपुर गांव निवासी दयानंद कुमार ने शिकारपुर थाने में शिकायत की है। पीड़ित युवक ने बताया कि वो दिल्ली में प्लम्बर मिस्त्री का काम करता है। गुरुवार को सप्तक्रांति ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़ने के लिए हाई स्कूल चौक की ओर जा रहा था। जैसे ही वह निबंधन कार्यालय के समीप पहुंचा कि एक बाइक पर सवार दो युवक आए और एक रुमाल गिराकर कहने लगे कि तुम्हारा रुमाल गिर गया है। वह जैसे ही रुमाल उठाया, दोनों उसके पॉकेट में रखे 12,000 रुपये और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि सूचना पर पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया है, मामले में छानबीन की जा रही है। सर मैं वो ऐसा ही कागज यही था, कागज मेरे आगे गिरा दिया था लो, दो तीन झापड़ मार दिया था लो, मारने के बाद बोल रहा था लो कि मोबाइल अपना दो, उसके बाद अपना मोबाइल दिया तो मैं बैग में रख दिया है लो, रखने के बाद मोबाइल और उसमें 12,000 रुपया था वो भी लेकर चला गया है लो। कहाँ से? वो चौक से सामने से। बिजली कंपनियों की तानाशाही, स्मार्ट मीटर, बिजली की दरों में वृद्धि और बिहार सरकार के द्वारा बिजली के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में आज लोजपा के द्वारा शिवहर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोजपा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मौके पर रंजन सिंह प्रदेश महासचिव सहित कई लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीतीश कुमार जी अपना जो नींद में है वो आज से जग जाए, जो जनता का दुहन हो रहा है बिजली के नाम पर। आप लोग भी बिजली लगाए होंगे घर में, हर घर का समस्या है बिजली, और बिना बिजली के हम जिंदा नहीं रह सकते। आज इन्होंने फिर अनुशंसा कर दिया 40% बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली बिहार में। और ये दोनों भाई मिलके एक गाना हमको याद आ रहा है कि हमको तो लूट लिया मिलके दोनों भाइयों ने, बड़का भाई और छुटका भाई मिल के 36-37 साल से बिहार को लूट लिया इन लोगों ने। महंगाई देखिए, यहाँ का जो स्लैब है वो 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक लेकर गया है, जो डोमेस्टिक यूज के लिए है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर एवरेज 7-8 रुपए प्रति यूनिट के दर से अगर एक व्यक्ति का बिल आता है तो 150 यूनिट एक परिवार में नॉर्मली खपत होता है, तो 1200 रुपए का बिजली बिल एक गरीब परिवार कैसे वहन करेगा। बंद हमने के तेल
पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस के द्वारा पुलिस सप्ताह के अवसर पर जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों के बीच पुलिस से मिलने वाली सुविधा और उनकी जानकारी उपलब्ध कराई गई और लोगों से पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में फीडबैक लिया गया। आपको बता दें कि बिहार में 20 फरवरी से पुलिस सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में गुरुवार को लोगों के बीच जाकर पुलिस का सहयोग करने एवं बेहतर समन्वय बनाते हुए क्राइम कंट्रोल करने की जानकारी दी गई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।